मैं जंगल का राजा हूँ। शेर। शेर लिखिए। जंगल का राजा कौन होता है बेटा? शेर। शेर से जंगल के सभी जानवर डरते हैं, क्योंकि ये जंगल का राजा होता है। एक बच्चा और आइए। मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट लिखिए। क्योंकि ऊंट के पैर मोटे और गद्दीदार होते हैं, इसलिए ये रेगिस्तान में आसानी से चलता है। शाबाश। आ गया ये एक बच्चा और। मैं राष्ट्रीय पक्षी, आगे आ जाए करो, आगे चलो। मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ। मोर लिखिए। मोर सबसे सुंदर नाचता है, देखा है आपने? हाँ, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। शाबाश। एक बच्चा और आइए, आगे चला करो। मैं धीरे धीरे चलता हूँ। कछुआ। बहुत अच्छे लिखिए। आपने कहानी सुनी थी जी। किसकी कहानी सुनी थी आपने? कछुआ और खरगोश की। तो उसमें कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। शाबाश। आइए एक बच्चा और आ जाओ। मैं खड़े खड़े सोता हूँ। घोड़ा लिखिए भाई। घोड़ा, ये घोड़ा ऐसा जानवर है कि ये खड़े खड़े ही सोता है। शाबाश, बहुत अच्छे। एक बच्चा और आओ। मैं बिना पैरों के चलता हूँ। सांप के पैर देखे आपने? नहीं, सांप के पैर नहीं होते, वो रेंगता है, ठीक है। शाबाश। एक बच्चा और आओ। मैं एक लंबी सूंड रखता हूँ। हाथी लिखिए। हाथी के एक लंबी सूंड होती है। मेरी सबसे लंबी गर्दन है। जिराफ। आगे चलो, लिखो जिराफ। जिराफ की सबसे लंबी गर्दन होती है, ठीक है। ये बड़ी आसानी से पेड़ों की पत्तियां खा लेता है, टहनियां खा लेता है। आगे एक बच्चा और आओ। मैं घर की रखवाली करता हूँ। कौन? कुत्ता लिखो। घर की रखवाली कौन करता है? कुत्ता। कुत्ता को लोग पालते हैं, कुत्ता घर की रखवाली करता है। चलिए एक बच्चा और आओ। मेरी आठ टांगे होती हैं। मकड़ी लिखिए। मकड़ी के कितनी टांगे होती हैं? आठ। देखी है मकड़ी सभी ने? जी। हाँ, तो मकड़ी के आठ टांगे होती हैं और बाकी जो कीट होते हैं उनके छह टांग होते हैं। जैसे कौन? मच्छर है, झींगुर है, मक्खी है, इनके कितनी टांगे होती हैं? छह। शाबाश, बहुत अच्छे। तालियां बजाओ इनके लिए।